हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है, उम्मीद तो होगी आप सभी खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आप सभी को खैरियत से रखे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको स्क्रिप्ट का ही मूड है वो जैसे कि डिग्गी ओपन करता है विद आउट मैन्यू ट्रेनर के मदद से, नहीं वो जस्ट की एक प्रेस करनी है कीबोर्ड की तो वो ऑटोमेटिकली डिग्गी बोनट सभी कुछ ओपन करेगा। लेकिन यार इसके लिए ना कुछ भाई कह रहे थे कि हमारे स्क्रिप्ट के मूड ही नहीं चलते। तो गाइज एक C++ के नेम की लिंक नीचे होगा, आपने सिंपली वो जाकर 150 MB की फाइल है डाउनलोड करके वो आपने इंस्टॉल करनी है, ताकि अगर आपके स्क्रिप्ट के मूड की कुछ भी जो होता है ना सॉफ्टवेयर आगे पीछे होगा वो सभी इंस्टॉल हो जाएंगे तो आपके स्क्रिप्ट के मूड भी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ जस्ट उसके सॉफ्टवेयर का ही होता है कि अगर आपके पूरे GTA के नहीं इंस्टॉल तो वो आपका स्क्रिप्ट का मूड नहीं अटैच होता और नहीं यूज़ कर पाते, तो यही कुछ इश्यूज होता है। तो प्लीज़ आप वो सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, नीचे उसका सिर्फ एक ही लिंक होगा वो पैक है, तो आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। जैसे हम यार आम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपके स्क्रिप्ट के मूड जितने भी होंगे वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था कुछ उनका डाउट भाई का, तो उम्मीद तो है कि वो ये वीडियो देखकर क्लियर हो जाएंगे कि उनके भी स्क्रिप्ट के मूड चलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सिर्फ 4 लिंक्स इन चीज़ों के नीचे प्रोवाइड है, सिंपली आपने वो डाउनलोड कर लेना। मैं सिंपली एक एक करके चारों लिंक्स को एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेता हूँ, 4 फाइल्स हैं ठीक है यार, तो चारों को मैंने एक्सट्रैक्ट हेयर कर लिया, तो साइड पर कर लेते हैं। तो गाइज आज सबसे पहले आप सभी को जुमा मुबारक। तो अब GTA 5 फाइल लोकेशन में ओपन कर लेता हूँ, करने के बाद सबसे पहले LUA वाला फोल्डर खोलना है। इसके अंदर यार 2 फाइल्स होंगी, स्क्रिप्ट और LUA, ऐसा 2 फाइल्स हैं, तो दोनों को आपने GTA की डायरेक्टरी के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। स्क्रिप्ट की फोल्डर खोलनी है, बिन में जाकर आपने ये भी दोनों इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। मेरे रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, मैं नहीं करूँगा ठीक है यार, ये डायरेक्टरी है यार हमारी गेम की। उसके बाद हमने ये स्क्रिप्ट V.NET, इसके अंदर 6 भी 3 भी फाइल्स हो जाती हैं, तो सिंपली आपने ये पकड़ के इधर डाल देनी है ठीक है। तो इसके बाद हमारा वो जो कार का ट्रंक वगैरह खोलने वाला मूड है, अब हम उसको इंस्टॉल करते हैं। स्क्रिप्ट का फोल्डर ओपन कर लेना है, तो सबसे लास्ट पर वही फाइल पड़ी है, इसमें 2 फाइल्स होंगी, आपने दोनों पकड़ के स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर जाकर फेंक देनी है। तो ये इंस्टॉल हो गया, अब कौन सी की प्रेस करनी है क्या करना है सीधे चलते हैं यार गेम के अंदर और आपको बताते हैं। तो गाइज फाइनली मेरी गेम ओपन हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ गेम के अंदर। तो यहाँ पर यार आप कोई भी व्हीकल ले सकते हो, ये नहीं है कि भाई एक ही व्हीकल के ऊपर काम होता है। मैं इधर ना मैन्यू ट्रेनर की मदद से कोई भी व्हीकल निकाल लेता हूँ। इधर मेरे फेवरेट में पड़े हुए हैं कुछ व्हीकल्स, तो मैं कौन सा लूँ यार, होंडा सिविक सी ले लेते हैं यार, मुझे अच्छी लगती है ये कार, तो ये कार मैंने ले ली है। तो गाइज अब आपने यहाँ पर आकर ना इसके सामने बोनट के ऊपर आकर जे जो कीबोर्ड का जे बटन है ना जे भाई, उसको जे को प्रेस कर देना सिंपली। तो जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने मूड ये यूज़ किया था, तो काफ़ी भाई कह रहे थे कि हमें ये मूड दे दो, तो भाई ये ले लो मूड आपके लिए ही है। मैंने कहाँ लेकर जाने हैं, तो यहाँ पर ये होता है कि मैन्यू ट्रेनर की मदद से खपना पड़ता है, व्हीकल को खोलना पड़ता है, इधर से सिर्फ जे प्रेस करो और चलो भाई डिग्गी बोनट डोर तक ओपन कर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने एंजॉय किया हो, ये मूड आपको अच्छा लगा हो, तो आपको स्क्रिप्ट का भी समझ आ गया हो, तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी नेक्स्ट वीडियो की राय दें। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।